नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। तीखी हुई लाल मिर्च, 180 से ऊपर पर पहुंची तेजा, 230 रुपए पर चल रही चपाटा। कपास के बीज का उत्पादन इस साल कटा, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है कम। दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर पर रही मजबूती से भारतीय मुद्रा शुक्रवार को दबाव में रही और अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 74.73 रुपए का बिका। पिछले कारोबार दिवस भारतीय मुद्रा 11 पैसे तूटकर 74.59 रुपए प्रति डॉलर पर रही थी। रुपए पर आज शुरू से ही दबाव रहा है। यह 16 पैसे कमजोर होकर 74.75 रुपए प्रति डॉलर पर खुला और एक समय 74.96 रुपए प्रति डॉलर तक टूट गया था। दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक में तेजी से भारतीय मुद्रा दबाव में रही। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट से भी रुपए पर दबाव बना। अंत में यह बुधवार के मुकाबले 14 पैसे लुढ़क कर 74.73 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। बीज कारोबार में इसका उच्चतम स्तर 74.53 रुपए प्रति डॉलर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। कपास की कीमतें इस साल एमएसपी से ऊपर रहने और अनुकूल मौसम की वजह से अगले सीजन में कपास की खेती बढ़ सकती है, लेकिन किसानों को बीज की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बीज का उत्पादन इस साल घटा है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम है। कपास की एमएसपी 5,515 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि चालू सीजन में अब तक कपास के औसत भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे हैं। इसके चलते किसान इसकी खेती बढ़ाने वाले हैं। कॉटन इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल 1.2 करोड़ हेक्टेयर में कपास की खेती हुई है, लेकिन अगले सीजन में इस फसल का रकबा 15 से 20% बढ़ सकता है। रही नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया NSSI के मुताबिक देश में कपास के बीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तेलंगाना में 20 से 25% उत्पादन घटा है। आमतौर पर 5 से 5.5 करोड़ पैकेट, हर पैकेट में 450 ग्राम कपास के बीजों की मांग रहती है, जो इस साल बढ़कर 6 करोड़ पैकेट तक पहुंच सकती है। इस साल कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी घटकर 1.3 करोड़ पैकेट रह जाने की आशंका है, जबकि आमतौर पर 1.5 करोड़ पैकेट का स्टॉक रहता है। इस बीच पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों को बीजों की सप्लाई होने लगी है, जहां अप्रैल के मध्य से कपास की बुआई शुरू हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खाने को जायकेदार और तीखा बनाने वाली लाल मिर्च का दाम भी लाल होने लगा है। बाजार में जिस मिर्ची के दाम पिछले वर्ष 100 से 125 रुपए प्रति किलो थे, वे इस वर्ष चिल्लर में 180 से 200 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। तेल से लेकर अभी किचन में लगने वाली हर चीज महंगी हो गई है। कोरोना के झटके की तरह लाल मिर्च के भाव भी ताव खा रहे हैं। तो बाजार में ही मिर्ची के भाव बड़े होने के कारण चिल्लर में मिर्ची इतनी महंगी हो गई है। अलग अलग क्वालिटी अनुसार मिर्ची के भाव बताए जा रहे हैं। इस समय मिर्ची बाजार में आवक तो हो रही है, लेकिन लॉकडाउन के चलते किसानों द्वारा पूरा माल कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है, इस कारण मिर्ची के भाव बढ़े हुए हैं। मिर्ची व्यापारी के अनुसार इस समय मार्केट में 25,000 से 30,000 बोरी मिर्ची की आवक हो रही है। मिर्ची की फसल भी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन अभी किसानों द्वारा पूरा माल कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जा रहा है। कोल्ड का ही माल मंडी में आ रहा है। थोक बाजार में तेजा गुंटूर पिछले बार 110 से 135 रुपए चल रही थी, जो कि अभी 135 से 155 रुपए पर पहुंच गई है। इसी तरह डीडी 120 से 150 रुपए, चपाटा 170 से 230, गुंटूर 334, 115 से 130 रुपए, दीपिका 140 से 160 लोकल की, वही रोशनी 100 से 145 रुपए प्रति किलो चल रही है। थोक में बड़े भाव होने के चलते ही विविध स्थानों पर मिर्ची लेकर बैठने वाले इसके भाव 170 से 200 रुपए प्रति किलो तक बता रहे हैं। इसमें पटना मिर्ची की कीमत 200 से 225 रुपए प्रति किलो तक बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। बंगाल में चुनाव और केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच अन्नदाताओं को एक और बड़ा झटका लगा है। देश के सबसे बड़े खाद विक्रेता इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने उर्वरकों की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया है।
डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी का 50 किलो वाले बैग की कीमत में 58% की वृद्धि की गई है। पहले यह 1200 रुपए में मिलता था तो किसानों को अब 1900 रुपए चुकाने होंगे। देश में यूरिया के बाद किसान सबसे अधिक डीएपी का ही इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इफ्को ने उर्वरकों के विभिन्न मिश्रण नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश और सल्फर की एमआरपी में भी इजाफा कर दिया है। 10/26/26 की कीमत 1175 रुपए से बढ़ाकर 1775 रुपए कर दी गई है तो 12/32/16 के लिए अब 1185 की बजाय 1800 रुपए देने होंगे। वही 20/20/013 के मिश्रण वाले 50 किलो के बैग के लिए अब 925 की जगह 1350 रुपए खर्च करने होंगे। नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। आईटी सॉफ्टवेयर और खुदरा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने की बदौलत मार्च माह में इससे पिछले महीने के मुकाबले नियुक्ति गतिविधियों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। फरवरी के 2356 के मुकाबले मार्च 2021 में नौकरियों के विज्ञापन 2436 की। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल बदलाव की लहर में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर क्षेत्र लगातार इससे बचा हुआ है और इसमें मार्च के दौरान नियुक्तियों में 11% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण खुदरा क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यह क्षेत्र भी फिर से उबरने की राह पर है, जिसके तहत महादर्मा नियुक्ति में पिछले महीने 15% की वृद्धि हुई। अमेज़न इंडिया ने कहा कि उसने 25 लाख छोटे और मझोले कारोबारियों को ऑनलाइन जाने में मदद की है और उनके जरिए 3 अरब अमेरिकी डॉलर के कुल निर्यात के लक्ष्य को हासिल किया है तथा लाखों नौकरियां तैयार की है। अमेज़न ने पिछले साल 1 करोड़ एमएसएमई को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। इस कवायद के जरिए 2025 तक 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात हासिल करने और 10 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया था। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नज़र आज की सुर्खियों पर। तीखी हुई लाल मिर्च, 180 से ऊपर पर पहुंची तेजा, 230 रुपए पर चल रही चपाटा। कपास के बीज का उत्पादन इस साल घटा, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है कम। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।